नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, महादेव का पवित्र महीना श्रावण मास चल रहा है और सावन के महीने के बीच में इस साल अधिक मास के योग बने हैं और कहा जाता है कि जब सावन के महीने में अधिक मास आता है तो इस समय हरि और हर का मिलन होता है। तो ऐसे में सभी भक्त महादेव को प्रसन्न करने के लिए कोशिशों में लगे हुए होंगे और महादेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान तरीका है महादेव पर जल और बेलपत्र अर्पित करना। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि महादेव पर बेलपत्र क्यों अर्पित की जाती है और तीन मुखी, चार मुखी और पंच मुखी बेलपत्र क्या क्या संकेत देते हैं? चार और पांच मुखी बेलपत्र इतनी मुश्किल से क्यों मिलते हैं? महादेव पर कितने दल के बेलपत्र चढ़ाने का क्या क्या फल मिलता है और महादेव की पूजा में बेलपत्र का महत्व क्या है? क्या महादेव पर चार मुखी और पांच मुखी बेलपत्र चढ़ाने से वह हम पर विशेष कृपा बनाए रखते हैं? दोस्तों, बेलपत्र से जुड़े हुए कई सवाल लोगों के मन में होते हैं कि जहां एक तरफ सभी देवी देवताओं पर फल फूल और नैवेद्य चढ़ाया जाता है, वहां महादेव जैसे देवों के देव महादेव पर केवल एक पत्ता चढ़ाने से क्या उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है? तो इन्हीं सभी समस्याओं का समाधान हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने किया है। तो गुरु जी ने आपके सभी सवालों के बड़े आसान से जवाब बताए हैं, जिन्हें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि महादेव भोले होते हैं जो मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, तभी तो महादेव को आशुतोष भी कहा जाता है। लेकिन शिव पुराण की कथा कहती है कि महादेव पर जितना फल सभी विशेष सामग्रियों को अर्पित करने से मिलता है, पंचामृत से स्नान कराने का माना जाता है, उतना ही फल आपको सिर्फ एक लोटा जल के साथ बेलपत्र अर्पित करने से मिल जाता है। तो ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर बेलपत्र की इतनी महिमा क्यों है। दरअसल हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया था, उसके बाद उन्होंने हिमाचल की कन्या पार्वती के रूप में जन्म लिया था और महादेव सती की मृत्यु के बाद महादेव वैरागी बन गए थे। ऐसे में माता पार्वती ने महादेव को पाने के लिए और उनसे विवाह करने के लिए सैकड़ों वर्षों तक घनघोर तपस्या की। तपस्या के बीच में एक ऐसा क्षण भी आया जब माता पार्वती ने बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर अन्य जल का त्याग कर दिया था और केवल बेलपत्र के पत्ते खाकर ही महादेव की आराधना की थी। और इस कठिन तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती से विवाह करना स्वीकार किया और तभी से महादेव को बेलपत्र अति प्रिय हो गए। इसी के साथ कहा जाता है कि जो बेलपत्र का पेड़ होता है उसमें स्वयं त्रिदेव त्रिदेवियों के साथ निवास करते हैं। बेलपत्र के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती के साथ निवास करते हैं। ऐसे में यदि महादेव पर बेलपत्र अर्पित किया जाता है तो इससे न केवल आपको महादेव की बल्कि ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होती है। अब आपको बता दें कि बेलपत्र के तीन मुखी, चार मुखी और पांच मुखी होने के बारे में गुरुजी ने अपने भक्तों को क्या बताया। तो गुरुजी का कहना है कि अक्सर हम सभी को तीन मुखी बेलपत्र ही देखने को मिलते हैं। तीन मुखी बेलपत्र में ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों का वास होता है। ऐसे में जब तीन मुखी बेलपत्र महादेव को अर्पित किए जाते हैं तो हमें देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा चार मुखी बेलपत्र मिलना बेहद ही मुश्किल होता है, वहीं पंच मुखी बेलपत्र भी यदि आपको मिल जाता है तो यह आपके सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि पंच मुखी बेलपत्र के दर्शन करने का अर्थ महादेव के पूरे परिवार के दर्शन करने के बराबर माना जाता है। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि शास्त्रों में पांच पत्ती वाला बेलपत्र सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस पांच पत्ती वाले बेलपत्र में पंच देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और माता भगवती का निवास होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप महादेव पर सावन के महीने में सोमवार वाले दिन यदि यह पंचमुखी बेलपत्र अर्पित कर देते हैं तो इससे आपको शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और वह तुरंत ही आपको आपका मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी का कहना है कि शिव पुराण में बेलपत्र के विशेष महत्व के साथ इसे लेकर कई नियमों का उल्लेख भी शिव पुराण में मिलता है। माना जाता है कि आप कितने भी श्रद्धा भाव से भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर लें, लेकिन यदि बेलपत्र नहीं चढ़ाया तो शिव जी की यह पूजा अधूरी मानी जाएगी।
ऐसे में शिव पूजा का पूरा फल पाने के लिए बेलपत्र को शिव पूजा में अनिवार्य बताया गया है। इसी के साथ गुरुजी ने बताया है कि शास्त्रों में 5 पत्तों वाला बेलपत्र सबसे शुभ और चमत्कारी माना गया है। इस बेलपत्र का शिव पूजा में विशेष महत्व माना गया है। हालांकि 5 पत्ती वाला बेलपत्र आसानी से नहीं मिलता, लेकिन यदि 5 पत्ती वाला बेलपत्र शिव जी को चढ़ाया जाए तो वह तुरंत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और आपकी हर मनोकामना भी पूरी करते हैं। वहीं शास्त्रों में 5 पत्ती वाले बेलपत्र के कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिन्हें करने से सेहत से लेकर विवाह में आने वाली बाधाएं तक दूर हो जाती हैं। जैसे कि अगर आपकी कोई मनोकामना पशुपति व्रत और सोमवार व्रत करके भी पूरी नहीं हुई है, तो आप सोमवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद शिवजी पर बेलपत्र के 5 पत्तों के साथ दूध और शहद जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आपको यह उपाय 11 सोमवार तक करना होगा। हर सोमवार को अपनी मनोकामना दोहराते हुए आप शिवजी को 5 पत्तों वाला बेलपत्र, दूध और शहद चढ़ाएं। आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। अगर आपके घर में किसी सदस्य की बीमारी लंबे समय से ठीक नहीं हो रही है, दवाओं का असर नहीं हो रहा, तो सावन में सोमवार वाले दिन 108 बेलपत्र चंदन में डुबो दें। अब ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए उन्हें शिव जी को अर्पित करें और अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। ऐसा करने से आपकी सेहत संबंधी परेशानियां दूर होने लगेंगी और आप स्वस्थ रहने लगेंगे। इसी के साथ अगर आपकी नौकरी में परेशानियां या बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं या फिर आपका चलता हुआ व्यापार रुक गया है, तो आप महादेव के मंदिर में जल के साथ 11 साबुत बिना कटे फटे बेलपत्र लेकर जाएं और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको शहद लगाना है और साइड वाली दोनों पत्तियों पर आपको चंदन का लेप लगाना है और यह बेलपत्र आपको अपनी मनोकामना बोलकर महादेव को समर्पित कर देनी है। कहा जाता है कि जो भक्त महादेव को शहद अर्पित करते हैं, ऐसे भक्तों के जीवन में धन संपदा की कमी कभी नहीं होती। शहद माता लक्ष्मी के साथ महादेव को भी प्रिय होता है और महादेव पर शहद अर्पित करने वालों के जीवन में उनकी तिजोरी और उनका पर्स कभी भी खाली नहीं रहता। वहीं अगर आपके घर के बच्चों के शादी विवाह में अड़चने आ रही हैं या किसी भी वजह से विवाह में देर हो रही है, तो 5 सोमवार तक शिव मंदिर में भोलेनाथ का जल अभिषेक करें, उन्हें 108 बेलपत्र अर्पित करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा करने से आपकी सारी बाधाएं दूर होने लगेंगी और विवाह के योग बनेंगे। भगवान शिव के साथ सोमवार के दिन माँ पार्वती की पूजा अर्चना करना ना भूलें। अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, बहुत समय से कोशिशों के बाद भी आपके घर में खुशखबरी नहीं आ रही है, आंगन में किलकारियां नहीं गूंज रही हैं, और अगर आप भी संतान सुख चाहते हैं, तो विश्वास के साथ हर सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा जरूर करें। इसके लिए अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र के पत्ते लें और कच्चा दूध लें। अब एक बेलपत्र का पत्ता दूध में डुबोकर शिवलिंग पर अर्पित करते रहें। इस उपाय की शुरुआत पूर्णिमा तिथि के बाद वाले सोमवार से करें, जल्द ही आपको लाभ होगा। इसी के साथ अगर आप धन प्राप्ति के लिए महादेव की आराधना करना चाहते हैं, आपकी कोशिशों के बाद भी आपको मनचाहा फल नहीं मिल रहा है, आपको धन लाभ भी नहीं होता है, आपके घर में बचत और बरकत नहीं होती है, या फिर आपके पास पैसों की तंगी चल रही है, या फिर आपके पास पैसा नहीं टिकता है, तो सोमवार के दिन बेलपत्र के 5 पत्ते शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें और उन पत्तों को अपने पर्स में या पैसे रखने वाले स्थान पर रख दें। इससे आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। बेलपत्र के उपाय से पाप और दरिद्रता से छुटकारा भी मिल जाता है। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।